प्रदेश भर में संविदा पर नियुक्त लगभग 38,000 ग्राम रोजगार सेवकों ने वेतन वृद्धि सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार सेवक संघ लिखित कुमार सिंह के नेतृत्व में 2 दिन से उपवास पर बैठे हैं। 9 दिन के लिए उपवास पर बैठे ग्राम रोजगार सेवकों ने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम आमरण अनशन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार सेवक निखिल कुमार सिंह ने कहा कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, तो अब बड़ा बहुत तो मैं मीडिया के माध्यम से एलाउ कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक आदमी को 2,000 का अधिकार दिया है, जो राइट दिया है 6,000 की नहीं है, बात उससे की उससे भी आगे की है, बात हमारे अपने अधिकारों की है भाई। जहां तक पता है कि सरकारें अपने निखिल कुमार सिंह जिला अध्यक्ष गोरखपुर, प्रशासन के माध्यम से हमने अपनी बात प्रशासन को बताई है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी की वार्ता के बिना अपना यह उपवास कार्यक्रम नहीं छोड़ेंगे। हमारा जो बकाया मानदेय है, हमारे डेप्टेलिंग की समस्या है, हमारे रोजगार सेवक जो निकाल दिए गए हैं, जो नगर निगम नगर निकाय में शामिल रोजगार सेवक हटाए जा रहे हैं, उन सभी के भविष्य को देखते हुए ये उपवास कार्यक्रम तब तक चलेगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं होती और हमारा मानदेय दिवाली के अंदर भुगतान नहीं होता। तो यह धरना, आज तो उपवास का कार्यक्रम का दूसरा दिन है, साधारण उपवास है, कल यह उपवास 12 बजे तक आमरण अनशन में तब्दील होकर भूख हड़ताल में तब्दील होगा। हम सभी साथी पूरे प्रांतीय नेतृत्व का आह्वान, शनिवार को इस नगर निगम पार्क में वो भीड़ जुटाएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार को अपने ग्राम रोजगार सेवक एकता की ताकत दिखाते हुए